दोस्तों इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी या बेल के आइकन को दबा लीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्नो वैभव। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं वैभव, आप देख रहे हैं टेक्नो वैभव, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आप में से कई लोगों ने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करके कोई ना कोई मेडल या फिर प्राइज मनी जीती ही होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा और उनकी स्किल्स नहीं होगी स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स हो जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपका इंटरेस्ट नहीं होगा इसलिए आपके स्किल्स भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप खेलते हैं गेम्स, वीडियो गेम्स, चाहे वो कंप्यूटर के गेम्स हो, मोबाइल के गेम्स हो, एक्सबॉक्स के गेम्स हो या PS4 के गेम्स हो या कोई भी कंसोल के गेम्स हो, अगर आप खेलते हैं तो भी आप उतनी मनी अर्न कर सकते हैं उन वीडियो गेम्स को खेलने से और साथ में आपको फेम भी मिल जाएगा ऐसे वीडियो गेम्स खेलने से। तो ऐसा कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ई स्पोर्ट्स क्या होता है वो बता दूँ। अगर आपने नहीं सुना है ई स्पोर्ट्स क्या होता है, तो ई स्पोर्ट्स मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स भी कहा जाता है ई स्पोर्ट्स को शॉर्ट में। तो ई स्पोर्ट्स मतलब कोई भी वीडियो गेम हो, चाहे वो पबजी क्यों ना हो। पबजी का एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, जो अभी ओप्पो ने स्पॉन्सर किया था कैंपस चैंपियनशिप पबजी का, जो कि इंडिया में हुआ था, वो बहुत बड़ा कदम है ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। क्योंकि दोस्तों स्पोर्ट्स तो इंडिया में लगभग सभी जानते हैं, सभी खेलते हैं और बहुत सारे मतलब उसमें सक्सेस भी होते हैं स्पोर्ट्स खेल के। स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जिसमें आपके जितने भी वीडियो गेम्स हैं वो आ जाते हैं, चाहे वो पबजी हो या फिर हो पैलेडिन्स या फिर हो फॉर्टनाइट, इस टाइप से बहुत सारे गेम्स हैं जो ई स्पोर्ट्स मतलब टूर्नामेंट्स करते हैं और उससे आप मनी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल के लिए फीफा होता है, उसी टाइप से ई स्पोर्ट्स के लिए भी ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होते हैं। जैसे अभी हुआ था पबजी का पबजी ओप्पो कैंपस चैंपियनशिप, जो कि इंडिया में हुआ था और जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जीते भी लोग। तो इस तरह से आप बहुत सारी मनी अर्न कर सकते हैं और हो सकता है वो जो मनी है वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा हो, मतलब स्पोर्ट्स में आप जितना अर्न कर सकते हैं उससे ज़्यादा हो, कम भी हो सकती है। तो जैसे कि एग्जांपल दूं मैं अभी का, जैसे स्टार चैलेंज चल रहा है पबजी मोबाइल का, जो फाइनल्स हैं उसमें जो जीतेगा $200,000 का प्राइज मिलेगा। और $200,000 मतलब आप समझ जाइए 1 करोड़ और इस टाइप से 1 करोड़ प्लस मनी है। $200,000 इंडिया में 1 करोड़ प्लस मनी है, तो 1 करोड़ आपको एक वीडियो गेम खेलने से मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो गेम खेल के भी बहुत अच्छी मनी अर्न किया जा सकता है, आपको फेम भी मिल सकता है। यूट्यूब में आप लाइव स्ट्रीमिंग भी होते हैं जितने भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं उनके, और कोई कोई टीवी चैनल्स में भी होते हैं। भले ही इंडिया इसमें ई स्पोर्ट्स के मामले में पीछे हो, अगर आप बाकी कंट्रीज में जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ई स्पोर्ट्स कितना एडवांस है उन कंट्रीज में। इंडिया में अभी भी डेवलप हो रहा है, जैसे कि अभी पबजी ने किया, उसी टाइप से मतलब बहुत सारे अब टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया में भी, होने तो चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी लोग मतलब ऐसे प्रो प्लेयर्स की कमी नहीं है किसी भी गेम्स में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका या फिर चाइना में प्रो प्लेयर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे प्रो प्लेयर्स हैं। तो यही बताया जाता है कि स्पोर्ट्स आखिर होता क्या है, उससे आप मनी अर्न कैसे कर सकते हैं और ई स्पोर्ट्स के कुछ और वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए और नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया। अगर आपने डिसलाइक किया तो और अपने थॉट्स जो हैं इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।